अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें न सुने। सत्य व मधुर बोलें। अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें। सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इष्ट अपना परमात्मा का स्वरूप हम बोलते हैं इष्ट, निश्चित कर लीजिए। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। ग्रह देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, जो देवता आपको सबसे ज्यादा पसंद है, शिव, राम, देवी, हनुमान। मंत्र आपका अपना,
जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, दोनों चीजें अच्छी लगनी चाहिए। फिर बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट, हमारा जो परमात्मा है जिसको मानते हो, हमारे सामने सशरीर विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए अपने सामने। जो आपको इष्ट, आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसको अपने सामने बनाए। ये समझिए कि वो सात शरीर आपके सामने विद्यमान है, शरीर के साथ। अब वो फोटो में नहीं है, मंदिर में नहीं है, मूरत में नहीं है, आपके सामने सह शरीर विद्यमान। उस पवित्र मूरत को ख्याल से, भाई थॉट, अपने सामने बनाएंगे कि जैसे हम उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कोई दूसरा विचार आ जाएगा बीच में, उन विचारों को हटाइए, दबाइए नहीं, हटा के फिर अपने इष्ट की याद में लगे। फिर कोई तीसरा विचार आएगा, उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। ठीक है, यह है प्रैक्टिस। तो अभी भजन के साथ साथ सब भाई बहन इसी प्रकार से अपने इष्ट देव को अपने सामने बनाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। पहले मगन हो
सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, मिला तो वही जो लाया लिखा के, मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, मान ये काया का है इच्छलाबा, मान ये काया का है बसलाबा, रावण समानी भी बचने न पाया, रावण समानी भी बचने न पाया, रखूंगा कहाँ तक मैं दिल को बचा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मार घट की करे रखवाली, हरिश्चंद्र मार घट की करे रखवाली, समझ में आया सब कुछ गवा के, समझ में आया सब कुछ गवा के, आया शरण ठोकरें जग की खाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरें जग की खाके, ना है चाह कोई ना है कोई इच्छा, ना है चाह कोई ना है कोई इच्छा, अपने चरण की दे दो प्रभु भिक्षा, अपनी शरण की दे दो प्रभु भिक्षा, जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे, जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे, आया शरण ठोकरें जग की खाके,
आया शरण ठोकरे जग के खाके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। पूज्य माता और बंधुओं, कल हमने साधना की पहली सीढ़ी पार की, 8 घंटे अपने बनाए, आधा घंटा सुबह पूजन बहुत डिटेल में बताया, आधा घंटा सायंकाल पूजा, दूसरा काम आधा घंटा दोपहर भोजन और आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। परमात्मा की याद में सोएंगे, सुबह उठेंगे उन्हीं की याद होगी, 6 घंटे आपके अपने हो जाएंगे निद्रा के साथ, योग निद्रा। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 8 के 16 घंटे कैसे बन सकते हैं बड़े आराम से, घर के सारे काम करते हुए। इसके लिए और दुनिया के काम का कोई असर ना पड़े, बल्कि और सुंदर होते जाए आज से अच्छे। इन संतों ने बड़ी सुंदर रीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि आपके पास कोई समय खाली है तो अपने इष्ट देव को दे दें, खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है समय तो जरूर परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा को दें। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, स्नान करते हैं, शेव करते हैं, ये सारा समय खाली है। कोई दुनिया का काम नहीं करते, दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते, ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है और सभी करते हैं, ये समय खाली है और हम बड़ी आसानी से इसमें अपने इष्ट देव की याद कर सकते हैं। क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं, जो बेकार चले जाते हैं, इसका कोई लापरवाही नहीं, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा, ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना उन्हीं की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक है और जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो बहुत आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं होती, और जिन्होंने पहला स्टेप आप पूरा कर लिया, आहार और विहार की शुद्धि हो गई है, तो 6 और 7 घंटे तो वैसे ही परमात्मा की याद में बीतते हैं, उन्हें ऑटोमेटिक याद बनी रहती है परमात्मा की, उनसे आसानी से हो जाता है। अवसर दिक्कत क्या आती है कि हमने काम शुरू किया, अपने इष्ट देव की याद में करना, अपने परमात्मा की याद में करना, थोड़ी देर तक तो मन लगा रहेगा, उसके बाद इधर उधर भाग जाएगा, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं व्यवसाय में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज ये है कि मन से लड़ाई ना लड़ें, अगर मन में लड़ाई लड़ेंगे तो कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। मन को अपना मित्र बनाइए, मन अगर चला जाए दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में तो 8 घंटे लगाना ही है, आके 9 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे, ये 10-12 मिनट का समय है, ये ईश्वर की याद में लगाएं, फिर दोबारा ले आइए अपने मन को और अपने इष्ट की याद में लगाएं, बड़े प्यार से समझाइए
और अपने मन को ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले, बहुत से समय पता भी नहीं चलता। फिर आत्मा कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया, जिस चीज को काम करने जा रहे थे उससे हट गया। बड़े प्यार से लाएं, ईश्वर की याद में लगाइए बड़े प्यार से। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, अभ्यास से आदतें बनती हैं। जितनी हमारी आदतें हैं वो सब अभ्यास से बनती है। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन आपको याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी दूसरी लगाई, यदि पूछे इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे कड़वा कड़वा धुआं है। पर बड़ी मजबूरी है क्योंकि आदत पड़ गई है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। किसी इष्टमित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में शुरुआत करते हैं, दूसरी पीते हैं, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, पीते और पिलाते हैं, प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए नींद नहीं आती। आदत इतनी गहरी हो जाती है कि जीवन के लाने पड़ते हैं पर आदत पर छोड़ नहीं पाते। हालांकि स्वाद कितना खराब है, तीखा है, तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर अपने जीवन में सुंदर सुंदर आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा स्वतः आपको ईश्वर की याद हो आएगी, अपने आप आएगी, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।